हेलो फ्रेंड, मैं तृप्ति देसी रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम नई तरीके की मिठाई, और ये मिठाई हम बनाएंगे सूजी से। और ये मैंने एक कटोरी सूजी ली है, तो ये मैंने सूजी को एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एकदम ताज़ा दही, और ये मैंने 2 चम्मच दही लिया है। ये एक कटोरी हमारी सूजी है फ्रेंड्स, तो 2 चम्मच हमने इसमें दही लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दूध। दूध हमें एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा डालना है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है। और आप ये सोच रहे होंगे ये ऐसी कौन सी मिठाई बनाने वाली है जो सूजी से बनने वाली है। चलिए देखते हैं। और थोड़ा सा दूध हम इसमें और डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक कटोरी दूध लिया है तो 1 कटोरी दूध पूरा ही आप डाल दें इसमें। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें ऐड करना है। और इसका अच्छे से घोल तैयार करके हम इसको 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। और ये मैंने इसको ढक के रख दिया है। जब तक ये 5 मिनट पूरे होते हैं फ्रेंड्स, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। और ये मैंने बर्तन चढ़ा दिया है गैस पे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम 1 कटोरी डालेंगे जिससे हमने सूजी बना ली थी। तो ये मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। ये 1 कटोरी पानी लिया है। अब हम इसमें 1/2 कटोरी चीनी डालेंगे, और ये मैंने 1/2 कटोरी चीनी डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से धीमी धीमी आंच पे पकने देंगे, और हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। और ये चाशनी भी खोलने लगी है। अब हम इसमें मैंने ये 4 इलायची को तोड़ के इसमें डाल देना है, और धीमी धीमी आंच पे इसको खोलाना है। इलायची हमने इसमें डाल दी है। अब ये धीमी धीमी आंच पे बिल्कुल खोलती रहेगी, और हमें इसको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है, बस थोड़ी देर इसको और खोलाना है। और ये देखिए चाशनी भी बनके तैयार हो गई है। बस ये बहुत अच्छी तरीके से खोल चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। और ये देखिए 5 मिनट पूरे हो गए हैं, और ये पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ा सा हमें ये गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम बचा हुआ बाकी का दूध भी ऐड कर देंगे, और हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। और घोल हमें कुछ इस तरीके से तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखिए पेस्ट एकदम तैयार हो गया है, परफेक्ट है। अब हम इसको बनाते हैं। और ये मैंने लिया है अप्पे का सांचा। अप्पे के सांचे में हम इस मिठाई को तैयार करेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि अप्पे के सांचे में मिठाई कौन सी बनने वाली है। वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होने वाली है। हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा घी, और ये मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है, और बिल्कुल धीमी आंच रखनी है हमें। अब हम इसमें डालेंगे सूजी का पेस्ट, और पेस्ट हम इसमें 1-1 चम्मच
थोड़ा सा हमें खाली रखना है, ज़्यादा ऊपर तक भरना नहीं है इसको। इस तरीके से ये मैंने पूरे में पूरे सांचे में सूजी को अच्छी तरीके से फैला दिया है और थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको खाली भी रखा है। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। तब तक देखते हैं, चाशनी तैयार है। चलिए देखते हैं कि हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। और ये देखिए, ये एकदम बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसको निकालेंगे नहीं, हमें इसके पीस को अभी निकालना नहीं है, हम इसी में चाशनी को ऐड करेंगे। और ये देखिए चाशनी को हम इस तरीके से इसी में एक एक चम्मच फैला देंगे। एक एक चम्मच हमें इस चाशनी को अच्छी तरीके से इसमें फैलाना है। इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा खाली रखा था, ये चाशनी अच्छी तरीके से इसमें भर जाए। एक चम्मच चाशनी हम जब इसमें डालेंगे तो ये इसके अंदर अच्छी तरीके से फैल जाएगी और जो इलायची का टेस्ट है वो इसमें बहुत अच्छा आएगा। और ये बढ़िया सी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक चम्मच चाशनी हर एक पीस में डाल दी है, ये देखिए। और कितनी रसीली ये मिठाई हमारी देखने में लग रही है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इसी में ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से चाशनी इसमें भर जाए। फिर हम इन पीस को प्लेट में या कटोरी में सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मिठाई बनके तैयार हो गई है और अब मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने हल्के हाथों से ये हमारी मिठाई टूट गई है। ये देखिए कलर, देखिए इसका, देखिए कितना प्यारा कलर आया है, एकदम गुलाब जामुन लग रहा है ना। नए तरीके से बनाया हुआ गुलाब जामुन, देखिए ये देखिए। चाशनी एकदम अच्छी तरीके से इसमें भर गई है, देखिए। अब हम इसको एक कटोरी में सर्व कर लेंगे, ये देखिए। और ये रही फटाफट और आसानी से बनने वाली नई तरीके की मिठाई। एकदम से आपके घर कोई ऐसा आ जाए और आप बना के खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये मिठाई कैसी लगी। हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।